हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस के टेक्निकल खड़का जी। दोस्तों तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ तो दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फाइंड एक्स के बारे में, जो है ओप्पो का सेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत लाजवाब। देख रहे होंगे लुक वाइज 93.8% देखिए परसेंट आपको बैटरी चार्ज और 18:9 रिश्यू नहीं मिलेगा। इस बार आपको फुल 99.9 रिश्यू वाला डिस्प्ले देखने को मिल सकता है बोले तो मिल जाएगा दोस्तों आपको, जो कि दिख रहा है कि पूरा फुल रिशू वाला डिस्प्ले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा है। और ओप्पो ने जो ये फ़ोन लॉन्च किया है, ये काफ़ी मॉडल फीचर के साथ, अपना सेल्फी और बैक रियर कैमरा के साथ, देख रहे होंगे आप किस तरह से वो जो इसका परफॉर्मेंस है बहुत ही लाजवाब, और लुक भी बहुत ही लाजवाब, जो बिल्कुल हटके दिया है अब तक। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ओप्पो ने फाइंड एक्स नाम से ये फ़ोन लॉन्च किया, दिखने में लुक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही औसम। जो इसका कैमरे का फीचर है दोस्तों वो बहुत ही स्पेशल है, देख रहे होंगे आपको इसको कैमरे में सेंसर कितने सारे मिल रहे हैं हमको। वाह देखिए, क्लिक करते ही कैमरे का सेंसर बहुत ही फास्ट वर्क करता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ बहुत ही लुक वाइज बहुत ही प्रीमियम फ़ोन है और बहुत ही शानदार फोन। और दोस्तों देखिए इसका जो वर्क है और टच है बहुत ही स्मूथ और प्रेशर वाला टच है दोस्तों, मतलब आप टच करके फील कर सकते हो दोस्तों। और कैमरे की क्वालिटी बहुत ही उम्दा क्वालिटी है दोस्तों, मैं आपको बताना जा रहा हूँ लुक वाइज बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है दोस्तों। तो आप इसमें एप्पल के फीचर भी देख सकते हैं, जैसे एप्पल में जो फीचर लॉन्च हो गया है आप अपने आप को कॉपी करके वो कर सकते हैं। और फोटो की क्लियरिटी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, जो मैंने बताया कि आपको इसे लुक वाइज मेन इसका जो लुक है बहुत ही शानदार, बहुत ही औसम है। जब आप कैमरे को क्लिक करते हो तो पॉपअप के साथ इसका कैमरा ओपन होता है दोस्तों, पॉपअप के साथ इसका कैमरा ओपन होता है, जो बहुत ही औसम और बहुत ही अच्छा दिखता है। इसका जो डिस्प्ले है वो आप बोल सकते हो कि फुल 20, मतलब जो बोलते थे 18:9 रिश्यू या 19:9 रिश्यू, तो इसे आप फुल रिश्यू वाला फ़ोन बोल सकते हो। दिखने में बहुत ही लाजवाब, और कलर इसके जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है फ़ोन में वो बहुत ही लाजवाब, जिस तरह से आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों एक बात का और ध्यान दीजिए कि इसमें आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलेगा। और दोस्तों डिस्प्ले तो इसमें बहुत ही गजब की डिस्प्ले है, जो आपको ये फ़ोन लेने में मजबूर कर देगा। ये इंडिया में कब तक आएगा दोस्तों ये तो हमें पता नहीं है, मगर हाँ दोस्तों ये बाहर विदेश में लॉन्च हो चुका है, और मैं बता दूँ कि इंडिया में इसे आने में कम से कम 1 साल तो और लग ही जाएगा मेरे हिसाब से दोस्तों। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बहुत ही लाजवाब फ़ोन है, बहुत ही औसम फ़ोन है दोस्तों। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज दोस्तों इस फ़ोन के बारे में देखिए, और ये इंडिया में कब तक ये फ़ोन आ सकता है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये लुक वाइज बहुत ही शानदार फ़ोन है दोस्तों, बहुत ही, तो आप देख रहे होंगे कि लुक वाइज बहुत ही अच्छा फ़ोन है और फीचर भी इसमें बहुत ही औसम होने वाले हैं। तो जो मुझे इसकी सबसे बढ़िया खासियत लगती है उसकी डिस्प्ले, और इसका कैमरे का सेटअप बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और मैं आपको बोलना चाहूँगा लुक वाइज बहुत ही जानदार लगता है ये सेट आपको दिखने में। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए मेरी वीडियो, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर करना कीजिएगा दोस्तों। जो हल्का इसका फ्रंट का लुक है वो आपको सैमसंग S9 प्लस की तरह दिखेगा, मगर इसमें जो हटके दिया है इन्हें इनका फ़ोन का वॉल्यूम बटन, और देखिए USB टाइप सी मिल जाएगा इसमें, और सिम ट्रे आपको नीचे की ओर मिल जाएगी दोस्तों। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ़ोन दिखने में बहुत ही औसम दिखता है, बहुत ही लाजवाब दिखता है दोस्तों।
तो आज के लिए इतना ही, मैं आपका दोस्त एसके टेक्निकल खड़का जी।